कि देश की सभी पार्टियां जो हैं वो विचार के मुताबिक शून्य हैं, लेकिन बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा, राहुल को मेगा मॉल, नफरत का मेगा मॉल चलाने वाला जेपी नड्डा ने बताया है। सबसे पहले तो मैं जब इस देवभूमि में आया हूं तो कांगड़ा के और हिमाचल के तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं, लेकिन यहां आऊं और मां चामुंडा को नमन न करूं, मैं यहां आऊं मां ब्रजेश्वरी के को नमन न करूं, मैं यहां आऊं और ज्वाला माता को माथा न टेकूं। प्रदेश के हेडक्वार्टर पर प्रदेश का हेडक्वार्टर का कार्यालय बनेगा और प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा, ये उन्होंने समझौता। उन्होंने 887 कार्यालयों की रचना की योजना बनाई और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 500 कार्यालय हमने बना दिए हैं। ये 501 और 502 कार्यालय यानी पालमपुर और नूरपुर, और यहां भी प्रदेश में 8 कार्यालय बन चुके हैं, बाकी जो बचे हैं वह भी बन जाएंगे, यह हमको ध्यान में रखना। 122 कार्यालयों का जमीन को ढूंढने का काम चल रहा है और 116 कार्यालय अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आने वाले समय में सभी कार्यालय समयबद्ध तरीके से भरेंगे और वो आप सबको समर्पित होंगे। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं मित्रों, ये कार्यालय ही नहीं है, आपने देखा होगा मैं गया हुआ, वो एक संस्कार का केंद्र है, वो ऑफिस नहीं है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। बीजेपी के कार्यालय कभी इसके ताले नहीं लगते। ये अकेली देश में एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य हो चुकी, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर। मित्रों, बहुत खूबसूरत कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय और इतना खूबसूरत बना है, वो आदरणीय नड्डा जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं बधाई देता हूं आदरणीय निग्गा जी को, आदरणीय विपिन परमार जी को, त्रिलोक कपूर जी को, हंसराज जी को और सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिला कांगड़ा को, चंबा को, जो यहां पर शानदार कार्यालय भी बना, बहुत बड़ी सुविधा बनी है। मित्रों, केवल भारतीय जनता पार्टी शायद एक पार्टी देश में होगी जिसका लगभग हर जिले में कार्यालय बनकर तैयार